नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सेफ़ होंगे आपके घर पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है, इसमें हम पर्टिकुलरली वो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जिसको लेके आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। हमारे वो दोस्त जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं बट उतना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते, तो वो लोग के दिमाग में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं। तो आज मैं वो सभी कन्फ्यूजन्स का दोस्तों जवाब देने वाला हूँ ये वीडियो में कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो में तक बने रहिए एंड मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ आपको कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कई लोगों ने दोस्तों, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि जैसे कई लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट में जो है वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो क्या उनको किसी और सेक्टर लाइक ट्रेडिंग में मूव कर जाना चाहिए, क्या उनको ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, या अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है उसको ट्रेडिंग में फ़ायदा नहीं हो रहा तो क्या उसको इन्वेस्टमेंट चालू कर देना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इसका एक सिंपल सा आंसर है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर आप उसमें गलती कर रहे हैं, अगर आप उसमें प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे, दैट मीन्स कि जो आपके पास अभी काफ़ी मौका है लर्न करने का, काफ़ी मौका है सीखने का, अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं दोस्तों जो कि प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जो कि प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं स्टॉक मार्केट से, इन्वेस्टमेंट करके, ट्रेडिंग करके। तो देखिए, दोनों ही चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रह सकती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट में से। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। तो आपको और थोड़ी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और थोड़ा मार्केट में एक्टिव रहना पड़ेगा, न्यूज़ वगैरह और देखनी पड़ेगी, थोड़ा आपको जागरूक रहना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे जाग के काम करना पड़ेगा कि कोई अगर सडन न्यूज़ कोई आती है मार्केट में जो कि मार्केट का जो माहौल है वो डिस्टर्ब कर सकती है, तो वो सब आपको पता लगना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा, जो हमारे ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गए या जो और भी हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तो दोस्तों इन लोग का एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है दोस्तों कि अगर मार्केट में कोई ऐसा फैक्टर है जो मार्केट का माहौल ख़राब कर सकता है या जो मार्केट को बूस्ट कर सकता है, तो कोई ऐसी अगर न्यूज़ है तो दोस्तों ये लोग वो पहले लोग होते हैं जिनको ये चीज़ पता चल जाती है। तो अब इसमें कोई ऐसी बात तो होती नहीं कि इनके पास कोई इनका खुद का कोई बंदा होता है जो भाई इनको आके बता देता है कि भाई ये न्यूज़ है, इसकी वजह से मार्केट डिस्टर्ब होने वाला है। दोस्तों ये लोग होते हैं, इनके पास टीम होती है, ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं मार्केट के अंदर, क्या हो रहा है, कौन से सेक्टर में क्या हो रहा है, कौन से सेक्टर में क्या नीड्स हो सकती हैं आगे चल के, ये सब बातों का काफ़ी ज़्यादा इन लोग को जानकारी होता है दोस्तों। तो ये लोग उसके हिसाब से जो है अपना पोर्टफोलियो प्लान करते हैं, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर जैसा कि इन लोगों ने सोचा है अगर वैसा हो गया तो ये लोग उस सेक्टर में कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आपको भी सेम यही करना है दोस्तों, आपको न्यूज़ में एक्टिव रहना है, थोड़ा न्यूज़ देखनी है, न्यूज़ के बारे में जानना है और देखना है कि कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, लॉकडाउन जब खुलेगा तब कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये सब बातें कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों जो कि आप अगर जिन बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और कई दोस्तों ने हमारे पूछा है कि क्या हमको शिफ्ट हो जाना चाहिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो क्या हमको ट्रेडिंग करना चालू कर देना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इसका जवाब ये नहीं है कि आप शिफ्ट हो जाएँ, बल्कि आप ये कर सकते हैं कि आप और लर्न कर सकते हैं, आप और जो है वो चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्यों आपको नुकसान हो रहा है। मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप और ज़्यादा जानकारी कलेक्ट करेंगे चीज़ों के बारे में और ज़्यादा सीखेंगे तो आप डेफिनेटली उससे दोस्तों पैसा कमा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, इसके लिए बस आपको सही स्टॉक चूज़ करना है, सही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या सही स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, एंड आप डेफिनेटली दोस्तों प्रॉफिट बुक करेंगे। और कई हमारे दोस्त हैं जो आपने देखा होगा, कई सारे YouTube पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको टिप्स दे रहे होते हैं कि भाई ये ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो दोस्तों इन सब चीज़ों में ना फंसें, आपका खुद का आप पूरा स्टॉक को रिव्यू कीजिए, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको डेटा मिल जाएगा, आप रिव्यू कीजिए, देखिए आपको कैसा लगता है एंड उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों अगर आप ये कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे फ्यूचर में, एंड ये आपका एक सक्सेसफुल करियर
के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से थोड़ी भी आपकी हेल्प हुई है, तो हमको ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारी बाकी सारी वीडियोज़ भी चेक कीजिए। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर जो है वो मिल जाएगी। एंड इसके अलावा आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे और ऐसी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अर्न करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।